अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू व्हाट्सअप, दिस इज़ जावर। और गाइस, आज है वेनसडे का दिन और हम लोग जा रहे हैं आरके गुड फार्म पे। जैसे कि अभी बहुत सारे फार्म्स की इंशाल्लाह सीरीज शुरू होने वाली है, दोनार की तो हर हफ्ते वीडियो आ ही रही है, बट अल्हम्दुलिल्लाह से फार्म्स वगैरह की भी आप लोगों को सीरीज़ देखने मिलेगी व्हाट्सअप पे, और रेगुलर जो सेलिंग की वीडियोज़ रहेगी इंशाल्लाह वो भी आएगी। तो आरके गुड फार्म का एक टूर होगा, फिर ARM गुड फार्म का होगा, और भी जो जो इंशाल्लाह एक दिन में आज कवर हो सकता होगा, वरना फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में जो भी रहेगा पॉसिबल वो कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अफजान भाई। अफजान भाई, आरके गुड फार्म पे आपके कुछ बकरे हैं जो सेल करने गए है ना, तो उसका वीडियो बनाने स्पेशली जा रहे हो, प्लस फार्म टूर जो रहेगा वो तो अलग करेंगे। तो क्या सोच के भाई आपने आरके गुड फार्म पे बकरा रखे और क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है जो आप उधर रख रहे हो? नहीं, माशाल्लाह बकरा तो अपना छोटा ही था, हाँ रिजल्ट भी अच्छा ही आया है। हाँ, लेकिन अभी सोच रहा हूँ कि कुछ मेंढे में मेंढा वगैरह कुछ लूँ। हाँ, तो वो हिसाब से अभी थोड़ा चेंज करना, माइंड थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़े बड़े बकरे अपन रखते हैं तो ये थोड़ा छोटा अपने को लग रहा है, तो वही हिसाब से थोड़ा इसको सेल करके कुछ और लेने की कोशिश। तो ऐसा तो नहीं ना कि रिजल्ट नहीं है तो इस वजह से आप हटा रहे हो? नहीं ना, रिजल्ट माशाल्लाह अच्छा ही है, फैसल भाई एक नंबर आते हैं। ठीक है, तो चलेंगे इंशाल्लाह रेस्ट ऑफ द वीडियो फार्म पे चल के डायरेक्ट इंटरव्यू गाड़ी खड़ी करते के साथ ही फैसल भाई से बात करेंगे, और बहुत सारे मतलब डिस्कशन भी, ये बातें भी इंशाल्लाह करेंगे वीडियो में। लास्ट तक आप लोग जुड़े रहिए, ठीक है? तो चलते हैं और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, यहाँ का व्यू देखिए आप लोग माशाल्लाह, और रोड वगैरह भी एकदम प्रॉपर बन गए, ऑलमोस्ट थोड़े बहुत है सब प्रॉब्लमेटिक, बट लगभग है ना। अरे कहाँ पे आ गए ऐसा लग रहा है, हाँ ना, चलते आगे, अभी बस पहुंची गए आरके पे, तो इंटर करके फिर रेस्ट ऑफ द वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली पहुंच चुके हैं आरके गोट फार्म पे, और मजा आना पड़ा। थॉर, ब्यूअर ऑफ थॉर, जर्मन शेपर्ड, अनेज भाई और थॉर भी है। फितनेबाज है क्या? हट गया नहीं, फितनेबाज तो है, लेकिन फितनेबाज को अलाउ भी कर दिया। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आईफोन से शूट कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आ गया तुम्हारे पास, अल्लाह का शुक्र है, थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है बकरों की लाइन में, अल्हम्दुलिल्लाह है ना। फैसल भाई, मैं बाहर से वीडियो चालू करते हुए आया था, माशाल्लाह रोड बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है यहाँ का पड़का का, अल्हम्दुलिल्लाह और भी इंप्रूवमेंट होएगा इंशाल्लाह। फार्म में क्या इंप्रूवमेंट हुआ है अपने? कुछ भी नहीं, फार्म जैसा है वैसा ही है, हम जैसे है वैसे ही है। अच्छा, फैसल भाई बकरे अभी मैं जैसे बात चालू थी, आप बता रहे हो कि मतलब बोल रहे थे कि बकरे मत लाओ, मत दो मेरे को पलाई, पैसा क्यों? भाई बकरे बीमार आ रहे ज्यादा, अगर मैं थक गया, मैं खुद बीमार बैठा हुआ, इंजेक्शन लेके बैठा है, तो सो रहे थे आप? हम लोगों की हालत खराब हो गई, बकरे भी लेके आ रहे, इतने छोटे छोटे बकरे लेके आ रहे, कहाँ सरवाइव कर पाएंगे, कहाँ नुकसान करा रहे हो? आपको लेके आना है तो बकरे अक्टूबर में लेके आओ, लेकिन थोड़े मैच्योर बकरे खरीदे तो अच्छी बात है। 40-45 केजी, 40-45 वो वैसे नहीं, वजन के हिसाब से नहीं, मैच्योर मीन्स 8-9 महीने का, मेरे को वजन से कोई लेना देना नहीं है, ना मैं वजन की गारंटी लेता हूँ ना मॉर्टेलिटी की, बराबर, लेकिन किसी का नुकसान हो जाएगा ना मेरे को दुख होता है। अच्छा, तो ये ऐसे छोटे छोटे बच्चे लेके आ गए, वो भी रोड ट्रांसपोर्ट में लेके आ रहे हो, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे, सफोकेट हो जाते हैं। सही बात है, ये रोड ट्रांसपोर्ट में गाड़ी की कैपेसिटी होती है 40 बकरे के, वो भरते 70 बकरे, बराबर, क्योंकि उनको तो अपना भर के लेके आने का, जितना ज्यादा बकरे रहेंगे ज्यादा कमाई होगी उनकी। सही बात, लेकिन इसमें नुकसान किसका होता है? ट्रेडर बेच देता है वहाँ से, ट्रांसपोर्ट वाला लेके आ जाता है, बकरे जब उतरते तो यहाँ पर आके आप लोग खरीदते हो, लाके देते हो, बकरे फिर बीमार होना चालू होते, फार्म वाला मेहनत कर रहा है, फार्म वाले के दवाई के पैसे जा रहे, इन द एंड बकरे की मॉर्टेलिटी हो गई, तो आपका नुकसान, फार्म वाले की मेहनत गई पानी में, सब कुछ खत्म, बराबर, फिर क्या आएगा, क्या फार्म पे बकरा मरा, ये नाम खराब होगा फार्म का। देखो नाम खराब होगा नहीं, क्योंकि मेरे पास क्रिस्टल क्लियर है, वेरी फर्स्ट जैसे मैं वीडियो डालता हूँ कस्टमर को, क्या भाई आपका बकरा ऐसा है, मैं ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, ये ऐसा ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, मेरा काम है क्या भाई ट्रीटमेंट करना, उसको सही टाइमिंग पे सही ट्रीटमेंट करना अंडर द प्रिस्क्रिप्शन या डिस्क्रिप्शन मेरे डॉक्टर के थ्रू। अच्छा,
उनके सर्विलेंस में ही होता है, खुद से इलाज नहीं होता है। नहीं, मेरे पास ऑलरेडी डॉक्टर है भाई, हम लोग मंथली पेमेंट पे करते हैं उनको। अच्छा। ऐसा ही हवा में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता है, हर चीज़ का हम लोग सीखते हैं, सिखाते हैं लोगों को, सब चीज़ बताते हैं, उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। आपकी हालत बता रही है भाई, बकरे कितने तकलीफ में, आपकी हालत बता रही है वीडियो में। की खत्म हो गई है भाई हालत, क्या बोलूँ अभी। ऐसा है कि बदन दर्द, सर दर्द, सर्दी, बुखार, प्लस क्लाइमेट भी कुछ भी हो रहा है, हमारे को पीपीआर हो गया, और ऐसा है कि उनका इन्फेक्शन हमारे को फैल सकता है। ऐसा होता है बकरों का इन्फेक्शन? अभी मेरे को हमारे डॉक्टर ही आए थे, बोले विदाउट मास्क तुम लोग इतने सारे बीमार बकरों का ट्रीटमेंट कर रहे, तो इन्फेक्शन होगा ही तुम्हारे को, क्योंकि कुछ बकरे ऐसा है कि दम तोड़ देते, उनके मुंह में मुंह डाल के सांस देना पड़ती है। मैं दिया ऐसा माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ पंपिंग करके, तो फिर बकरे थोड़े बहुत आया रहते, कभी कभार सर्दी की वजह से लंग जाम होने की वजह से सांस रुका देते, फिर उनको पंप करके, हार्ट पंप करके, फिर मुंह में मुंह डाल के सांस देना पड़ता। ये आपने खुद दिए? मैंने दिया, उसके बाद से उनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा, कुछ मोर्टेलिटी हुई अपने फार्म पे? देखो, पार्ट ऑफ बिजनेस है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, झूठ की दुनिया में मेरे को शामिल मत करो। मोर्टेलिटी होती है और हुई है, जुलाई में भी हुई है, अगस्त में भी हुई है। मैं इसीलिए तो बोल रहा कि छोटे छोटे बकरे मत खरीदो, बकरे थोड़े मैच्योर रहेंगे ना तो इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग होती है। बराबर। और ले रहे भी हो, बड़े भी ले रहे हो, अभी लास्ट टाइम पे मैं किसी के यहाँ पर बैठा था तो गया था मैं, हाँ ये सानियानी लेने के लिए गया था मैं, ओशी ये वाला, हाँ वो वाला, तो उनके यहाँ पर बैठा था तो उनके 6 बकरे 60,000 रुपये के ट्रांसपोर्ट में मर गए। वो बात कर रहे थे तो मैं क्या बोलूँगा। तो ट्रांसपोर्ट की वजह से मर रहे या क्लाइमेट की वजह से मर रहे? ट्रांसपोर्टेशन ही गलत, गाड़ी में मरे पड़े हुए थे तीन, हाँ। तीन यहाँ पर फार्म पे आने के बाद में, उनके फार्म पे आने, उनके फार्म पे आने के बाद में, अल्लाह रे, तो फिर वो बड़े बड़े बकरे साथ साथ, तो मतलब सोचो कैसा क्रुएल्टी हो रही है और किस तरीके से लोडिंग हो रही है। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि भाई आप रोड ट्रांसपोर्ट में मंगा रहे हो तो सेफ वाला मंगाओ। सही बात, जिधर 40 की कैपेसिटी होता 30 मंगाओ। आप 2,000 रुपये एक्स्ट्रा लो ट्रांसपोर्ट वाले, ज़्यादा बकरे मत भरो। और जो भी है ट्रेडर भी अगर बकरा लोड कर रहा, देख रहा है कि बहुत ज़्यादा रश है गाड़ी में, तो बकरा मत लोड करा। सही बात है। और जो भी है कस्टमर्स है बकरे खरीद रहे, 2,000 रुपये एक्स्ट्रा जाएगा आपका ट्रेन से आने, लेकिन जानवर सेफ आएगा। जानवर देखो, ट्रेन से क्या होता है कि बकरा टूटता नहीं है, वजन टूटता है। हाँ। गाड़ी में बकरा भी टूटता है, वजन भी टूटता है। रेयर केस ऑफ मतलब 5% बकरों जो ट्रेन से आए हुए बकरों की मोर्टेलिटी होती है, ज्यादा करके मोर्टेलिटी का चांसेस है। देखो हयाती अल्लाह, बेशक बेशक वो तो बराबर, कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रिकॉशन होता है ना, प्रिकॉशन के तौर पे अपन करें तो अच्छी बात है। जब हमको मालूम है जुलाई अगस्त में ज्यादा बीमारी बैक्टीरिया एक्टिव हो जाते हैं, बकरे मरते हैं, तो हम लोगों को खरीदना क्यों? मैं कितनी वीडियो बनाया मेरे चैनल पे, मत खरीदो, और खरीद रहे भी हो तो सेफ एंड साइड आना चाहिए, ट्रेन से आना चाहिए, वहाँ से बकरों को खिलाना नहीं चाहिए, खाली एम्प्टी स्टमक डालना चाहिए। अभी यासीन भाई तुम्हारे को बकरा दिलाया, मैं क्या वजन पे बोला था, क्या वजन पे आया था? वजन का तो कुछ नहीं पता है। हाँ, लेकिन मैं बोला था वजन पकड़ो ही मत, क्योंकि मैं एम्प्टी स्टमक बकरा चढ़वाता हूँ, आपको दिलाया बकरा आया यहाँ पर, आपका बकरा केज में है, कल खाली मैंने बोला हल्की सी बुखार आई है, हाँ कल ही शो किया वो भी, लेकिन देखो अभी भी आपके बकरे का 4 नंबर में पहला बकरा उधर है ना, केज में मुंडी डाल के खा रहा, तो अच्छा मतलब वैसा मंगा ट्रेन से आया था इनका बकरा, ट्रेन से आया। अच्छा, मैं रोड ट्रांसपोर्ट से नहीं, मैंने अभी तक जितने भी बकरे जमुनापारी दिलाता हूँ, मैं ज़्यादा दिलाता हूँ, दिलाया हूँ, एक भी मोर्टेलिटी नहीं हुई है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने दिलाया तो मोर्टेलिटी नहीं हुई, अगर आप बोल रहे हो आप ट्रेन से मंगा रहे हो 5% ऑफ, हाँ उसमें से 2% जमुनापारी यहाँ पर है जो बीमार है, मेरे से मेरे थ्रू मंगाए बीमार है, लेकिन क्या है चांसेस ऑफ लॉन्ग टाइम ऑफ ट्रीटमेंट का टाइम देते हैं। बराबर, सही बात। फार्म पे आने के साथ में 1 महीने के अंदर अगर मोर्टेलिटी होती है, हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, अंदर इतना प्लास्टिक निकल रहा है, किसकी गलती? हमारी गलती है। अच्छा, पोस्टमार्टम भी करते हो अंदर चेक करने के लिए? भाई मेरे पास पूरा प्रूफ है। अच्छा। इतना प्लास्टिक निकल रहा है, किसकी गलती? प्लास्टिक रहेगा तो बकरा रिकवर होगा ही नहीं। लंग डैमेज है, लंग पूरा चिपका हुआ, लंग डैमेज के लिए कम से कम 3 से 4 महीना चाहिए बकरे। अच्छा, 1 महीने में लंग कैसा डैमेज हो गया, लंग ही पूरा चिपका है पोस्टमार्टम किए हुए, तो ऑलरेडी बकरा वहाँ पर सफोकेशन में, फाइब्रोसिस में हो गया, ट्रेन में ये गाड़ी में हो गया, या वहाँ पर बीमार चल रहा हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक खिला के लोग बकरे बेच देते हैं, फिर उसके बाद में फार्म वाला मेहनत करता है, फार्म वाले मेहनत किया वो बकरा सर्वाइव हो गया, तो भाई फार्म वाला अच्छा,
मर गया तो फार्म वाला बुरा बस यही चल रहा है आज के कड़े। अच्छा सबसे अभी ट्रेंडिंग में बकरे मतलब कौन से लोग ज्यादा लाके दे रहे हैं फार्म पे? फार्म पे मेरे यहाँ पर तो जमुनापारी, जमुनापारी फिर सेकंड पे कौन से आ रहे हैं? सेकंड पे कोटा है, मालवा है, सब ऑलमोस्ट फार्म पूरा फूल है। मैंने तो कुछ बकरे अभी स्टार्टिंग में ऑफ कैमरा बताया, मैंने रुका के रखा हूँ बकरे, मेरा फार्म ऑलरेडी फूल है। 80 बकरों की खाली 40-50 बकरों की जगह रहेगी तो रहेगी, बाकी वो केजेस की पूरी जगह बुक है, पूरा फूल है, फूल है। मैंने सामने से रुका के रखा हूँ क्या भाई बकरे अभी मन पे, जो मैं 4 बकरे मंगाता हूँ वो सेट होते फिर डालता हूँ। अच्छा ऐसा कोई भी फार्म वाला देखो ऐसा है कि ये नहीं बताएगा यावर भाई कि हमारे यहाँ पर बकरे बीमार है, लेकिन मैं सामने बताता हूँ ये बीमार बकरे की लाइन है। मैं देख सामने ही रखा हूँ। ये बीमार है कि क्वारंटाइन सेक्शन है? नहीं ये बीमार है। अच्छा जो फिट एंड फाइन है वो अंदर चले गए, जो अभी न्यू आए हुए ये यहाँ पर रखे गए वो बीमार नहीं है। हाँ ये बकरा है, ये कल आया हुआ, ये वाइट वाला 105.8 बुखार है, पेट में पानी है, पेट में पानी है, ये कल आया हुआ। अच्छा अब ये छोटे बच्चे आए हुए ये एनेमिक कंडीशन में, खून की कमी है। अच्छा ये कोटे के जो बच्चे हैं? हाँ। तो लोग इतने छोटे बच्चे लेके कैसे प्रिफर, मतलब क्या करेंगे? दो दो साल लग जाएंगे बकरे तैयार होते हुए भी भाई। वीडियो बाबू भैया वीडियो की कलाकारी बहुत अच्छी चल रही है। क्लोजअप करके नीचे से वीडियो बनाओ। 20,000 रुपए के दो बच्चे खरीदे ये दोनों। ये देख लीजिए आप लोग, और वीडियो में कैसे दिखते होंगे वो अलग ही स्टोरी होगी। मैं पूछता नहीं हूँ भाई, कस्टमर ने सामने से बताया तो मैं नहीं पूछता हूँ किससे खरीदे क्या खरीदे, मेरे को क्या लेना देना किसी से, ना मेरी कोई ट्रेडर से दुश्मनी है ना मेरी कोई फार्म वाले से दुश्मनी है। मेरा काम है कि भाई सच्चाई बताओ तो मैं हकीकत बताता हूँ, लोगों को बुरा लगता है तो लगने दो, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। हाँ वो जिसको सच बोले तो सच हमेशा कड़वा ही लगता है, अब जिसको लगता है वो है फिर 20 या 8। अच्छा फैसल भाई 2023-24 के सीजन में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो मतलब आप लैक हो गई फार्म पे या जो नहीं कर पाए, जो आप अभी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो 2024-25 में? कुछ चीज़ें होगी ना जो इम्प्रूवमेंट या आप लाना चाहते हो अपने फार्म पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हो? इम्प्रूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है फार्म पे फील वर्क। हाँ इम्प्रूव ये है कि एक ख्वाब है अपना जी, सेल्फ फीडिंग पे अंडू बकरा 160 kg पे तैयार हो जाए, ये अपना ड्रीम है। हाँ तो वो ख्वाब पूरा करने की कोशिश कर रहे, फीड प्रोग्राम में हमेशा अपग्रेड हो रहे हर चीज़ें। लास्ट ईयर का फीड प्रोग्राम भी अच्छा चला, आपके भी बकरा था अच्छा तैयार हो के गए, मेंढा तो माशाल्लाह दिल खुश करके गया। लेकिन वो है कि इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अभी यासिन भाई का ये बकरा क्या पोजीशन पे आया था और वो लाए थे और आप बताएंगे तो वो भी 2-3 महीने के बाद में आए हैं, तो इंशाल्लाह लू उनका कस्टमर रिव्यू चलेगा। हाँ नहीं मेरे को पैसा देंगे, अच्छा बताए बुरा बताए कोई भी accepted. मेरे को कोई बुरा नहीं लगेगा, देखो जो हकीकत है वो होना चाहिए। मैं खुद बोलता हूँ सामने से जब मोर्टेलिटी होती है तो फिर और इससे ज्यादा बुरा क्या है, कोई फार्म वाला नहीं बोलता। हाँ, इससे ज्यादा बुरा क्या आएगा? मैं तो भाई लोग बोलते हैं मुझे क्या डी मार्केटिंग मत करो, मोर्टेलिटी मत बताओ तो आपके फार्म है ना फार्म पे कस्टमर नहीं आएंगे। तो सही में अगर मैं डी मार्केटिंग कर रहा हूँ मेरा तवक्कल फिर अल्लाह के ऊपर नहीं है, मैं झूठ बोलकर चल रहा हूँ तो फिर मेरा फार्म फूल क्यों? आप भी चाहो तो आप भी एक आध मतलब जो जो बड़े बड़े बकरे दिखा के शो कर सकते हो कि मेरे फार्म पे हर बकरा बनता है, तो कोई मरता नहीं। नहीं मैं बोल सकता हूँ लेकिन बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई, मेरे को आखिरत में मुंह दिखाना है, आखिरत में मेरी पकड़ होगी, होती है ना जेन्युइनिटी। बेजुबान है ये, बेजुबान है ना, रात में जब इनका हक अदा होता है तो ये दुआ करते अगर मैं इनका हक नहीं अदा करूँ तो ये मेरे लिए है ना मेरी शिकायत करेंगे अल्लाह से। सही बात है। तो फिर मेरे को ऐसा क्या मैं मेरे बच्चों को हराम की कमाई दिला क्या? मैं इधर बैठा इनका हक मारूँ, इनकी फीड मारूँ, इनको दवाई नहीं दूँ, दवाई के लिए यकीन मानो लास्ट मंथ का 1 लाख रुपये का दवाई का बिल है, दवा का डॉक्टर का अलग, डॉक्टर की फीस अलग, कंपाउंडर की फीस अलग, स्टाफ की फीस सैलरी अलग, इलेक्ट्रिक का बिल जो 14-15 हज़ार रुपये आता है वो अलग, सब कुछ अलग, सिर्फ दवाई आने का 1 लाख रुपये का बिल। अभी अगस्त महीने का अभी तक मेरे पास स्टेटमेंट नहीं आया है दवाई वाले का, अभी ये महीने का भी है ना, फिर इतना इतना आएगा 80,000। जुलाई अगस्त सितंबर ये 3 महीना आपको दवाई पे पैसा खर्चा करना है, और अगले साल से मैं जुलाई अगस्त में बकरे नहीं लेने वाला फार्म बंद। आप जिसको देना है बकरे वो जुलाई और पहले ईद की बकरी के पहले लाके दो। हाँ। जैसे बकरे खाली होंगे बकरे रखूंगा उनको सेट करूंगा, सेट हो जाएंगे बराबर तब तक के। जुलाई अगस्त में बकरे नहीं लेने वाला क्योंकि लोग समझते नहीं है सुनते नहीं है, मैच्योर बकरे लेना जरूरी है, ट्रेन से मंगाना जरूरी है, नहीं समझते फिर बाद में फिर बोलेंगे अरे भाई मेरा इतना नुकसान हो गया। मैं कितने मेरे अच्छे कस्टमर्स है उनको समझाता हूँ लेकिन नहीं समझते, लोगों को एक चाहत रहती है लेने की लेकिन नुकसान हो गया तो हमारे को दुख होता है, मोर्टेलिटी होती है, वो देखो हमारे को ब्लेम नहीं करता है कोई,
भले ब्लेम नहीं करता लेकिन एक मन में तो आता ना कि फार्म पे मर गया, इनके पास मेरा बकरा ये हो गया वो हो गया। लेकिन क्यों क्यों आएगा पहले दिन से, जब बकरे को हम लोग अपडेट दे रहे हैं बीमार है क्या, ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या नहीं है, पोस्टमार्टम कर रहे हैं उसकी भी रिपोर्ट डाल रहे हैं, क्या वीडियो बना के डाल रहे, तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है आपके बकरे का ये क्या क्या। एक महीने के अंदर बकरे के लंग कभी फेल होते नहीं, प्लास्टिक किधर से आया, मैंने डाला, मैं खिला रहा हूँ, मैं ला रहा हूँ भाई, मैं बकरा मर रहा था काट उसके अंदर प्लास्टिक डाल, अपन कस्टमर को प्लास्टिक बताएंगे, नहीं नहीं मेरे को जरूरत ही नहीं, मेरे को काम करना सच के ऊपर काम करना है, झूठ के ऊपर काम नहीं करना। मेरे नसीब की जितने रिस्क लिखा हुआ है ये फील्ड में, जब तक लिखा हूँ मैं हयात हूँ तब तक मेरे को मिलेगा, अगर जिस दिन नहीं रहेगा उस दिन फार्म बंद हो जाएगा, मेरे नसीब में नहीं रहेगा उससे, तो वो तो मेरे को आखिरत देखने का ना, मेरे बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, मेरे को हराम की कमाई तो कमाना सही बात है, वरना वही मेरे ऊपर फिर जाएगी, क्योंकि हराम की कमाई झूठ बोल के कमाई हुई कमाई बच्चों को खिलाना, तो आगे चल के तुम्हारे बुढ़ापे में थोड़ी पूछेंगे। सही बात है, क्योंकि वो उनकी फितरत ही वही हो जाएगी। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन फैसल भाई, क्या बकरेबाजी या ये फार्म की लाइन है ये जो है लाइन, ये कुछ आसान है? क्योंकि हर कोई आज के टाइम पे यही लाइन में जाना चाह रहा है, लगता है बहुत पैसा है, 3,500 बोले पलाई चार्ज है, बकरा 1,500 का खा रहा है, बहुत अच्छा बज रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऑलरेडी ये क्वेश्चन का आंसर मेरी पूरी वीडियो में स्टार्टिंग में मिल चुका है लोगों को, कि लगता बहुत आसान है, मेरी हालत देख लो, मैं आदमियों पे डिपेंड नहीं रहता हूँ, मैं खुद इन्वॉल्व होता हूँ। हाँ, जो आदमियों पे डिपेंड है वो कुर्सी पे बैठे रहेंगे, जिनका पार्ट टाइम बिजनेस है, बहुत सारे दुकान चल रहे हैं, होटल चल रहे हैं, फिर फार्म भी चल रहा है, तो उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा तो रोजी रोटी इससे ही चलती है, मेरे को आना जरूरी है, लोग मेरा चेहरा देख के देते हैं, तो मैं देख रहा हूँ। आज ही मेरे यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो बनाया, मेरी कहानी मेरी जुबानी, तो मैंने उसके ऊपर डाला हो गया बकरों की क्या आसान लगता है, रोज फार्म खुल रहे रोज फार्म बंद हो रहे, क्यों हो रहे, क्यों अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, क्यों रीज़न क्या, क्यों किस लिए, तुमको पता 3,700 आरके वाला पैसा लेता है पलाई का, मल्टीप्लाई बाय करो भाई 300 बकरे हो गया भाई 1,000,000 रुपया अपना 1,000,000 रुपया कमा रहा है बकरे का, उसके पीछे फीड क्या जा रही है, उसके पीछे दवाइयाँ क्या जा रही है, उसके पीछे तो मेहनत क्या जा रही है, आदमी का स्टाफ भी लग रहा है, सफाई भी लग रही है, बकरे में सिर्फ खिलाना रहता ना तो हर फार्म वाला करोड़पति बन के ना अपना काटर रोड पे बंगला खरीदा हुआ। सही बात है, नहीं है ना किसी के पास नहीं हो रहता तो बात अलग थी ना, नहीं होता है भाई, एक लिमिटेड बचता है, अलहमदिल्ला अल्लाह का करोड़ ऐसा नहीं, जो भी बच रहा है शुक्र है अल्लाह का, मेरा घर चल रहा है, मेरे स्टाफ का घर चल रहा है, सब चल रहा है, सबकी नसीब की रोजी रोटी उनको मिलती है। बराबर, तो न्यू कमर्स है, अगर किसी को बकरे का फार्म डालना है, अगर आपने YouTube चैनल्स की बहुत सारी, आप YouTube वाले लोग भी तो बहुत माहिर है माशाल्लाह, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बना के डालते हैं एडिटिंग के साथ में, क्या बकरा है ना इतना बड़ा बड़ा दिखता है और बहुत ही बेहतरीन दिखता है, लोगों की चमक आ जाती है कि ये फील्ड में आना चाहिए भाई, इतने बड़े बकरे बन जाते हैं, लेकिन वो बकरे के पीछे की मेहनत नहीं मान, वो एक बकरा बनता है बाकी बकरों का क्या हुआ, वो वही नहीं हाईलाइट नहीं होते, नहीं जो बनता है वही हाईलाइट, वही है, तो यंग जनरेशन को बोलूँगा ज़्यादा करके हाईलाइटेड या बड़े बड़े बकरे देखने के साथ में अपने माँ बाप का पैसा या खुद की मेहनत का पैसा ना बर्बाद करे तो अच्छा है, पहले ये फील्ड के बारे में हकीकत जानना है तो है ना 6 महीना कोई फार्म पे डेली विजिट करो, चलो कोई नहीं मेरे फार्म पे डेली विजिट करो, बैठे हुए रहो, हम लोग क्या कर रहे हैं, कितनी मॉर्टेलिटी होती है, क्या बकरों पर ट्रीटमेंट होता सब देखो, 3 दिन में आप नहीं ठगोगे ना तो मैं बोल देता लिख के देता हूँ, आदमियों के भरोसे पर काम नहीं होता, जिसका काम है उसको मालूम पड़ता है कितना स्ट्रगल है और क्या मेहनत है, क्या मेहनत है, देखो हमारा बाबा देखो कैसा ठग गया, कौन गोरा गोरा था काला हो गया था। चलेगा फैसल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह और भी वीडियोस रहेगी अफजान भाई और इनकी, अगर रहेगा तो कस्टमर रिव्यू है ना, इनका बेचने वाला है, हाँ वीडियो इंशाल्लाह लेंगे। चलेगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।